की सरकार की सहायता से एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के लिए भी यहाँ पर प्रदेश के अंदर इस बजट में इसका प्रावधान करने का कार्य किया गया है। प्रदेश के अंदर अयोध्या को एक मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने और फिर अयोध्या की तर्ज पर प्रदेश के सभी नगर निकायों को, खासतौर पर जो हमारे 17 नगर निगम है, इस नगर निगम को भी उन्हीं तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए, जिससे हम लोग प्रदेश में नेट जीरो की तरफ जा सके। हमारे शहर, आपने देखा होगा पिछली बार हम लोगों ने जब 2017 में आए थे तो कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिए जितनी भी स्ट्रीट लाइट थी उन्हें एलईडी स्ट्रीट लाइट में हम लोगों ने ईएसएसएल के साथ मिलकर के बदला था। आज आप देखते होंगे कि इसका काफी बड़ा प्रभाव पड़ा था प्रदेश के अंदर। एक सभी सिटी, आज जितने हमारे नगर निकाय हैं उनमें स्ट्रीट लाइट दर्शनीय भी है और साथ साथ वहां पर बिजली भी कम खर्च होती है, और जितनी भी सोलर लाइट बदली गई, जितनी भी वहां पर स्ट्रीट लाइट बदली गई थी, उस स्ट्रीट लाइट पे शासन को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा था। वो सारा पैसा भारत सरकार की संस्था ईएसएल ने मिलकर के उस पैसे को वहां पर, जितनी भी वहां पे हेलोजन लाइट थी, अन्य स्ट्रीट लाइट थी, उसे बदल करके एलईडी स्ट्रीट लाइट के रूप में उसे बदला था। बदले में उसने एक एमओयू किया था कि अगले 7 वर्ष तक हम इसकी रख रखाव करेंगे और जो विद्युत की बचत होगी उसी में से वह अपना पैसा भी लेंगे। ये एक मॉडल यहाँ पे लागू किया गया था, आज जो प्रदेश के अंदर जारी है। सोलर सिटी हमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहित करने के साथ साथ जो आज दुनिया के अंदर नेट जीरो की बात की जा रही है, इस दिशा में आगे बढ़ाने की एक शुरुआत अयोध्या से सोलर सिटी के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले मात्र 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, 2 आंशिक थे और 2 वाराणसी और गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ, ये यहां पर पूरी तरह यहां पर क्रियाशील थे। आज हम 9 एयरपोर्ट को पूरी तरह क्रियाशील कर चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, 3 एयरपोर्ट वर्तमान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील है, 9 अन्य एयरपोर्ट पे यहाँ पे प्रदेश के अंदर कार्य चल रहा है। कुल मिलाकर के अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 21 एयरपोर्ट होंगे जो पूरी तरह क्रियाशील होंगे, और इस पर राज्य सरकार ने बेहतर कार्य किया है, उसको हम भारत सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए भी इस बजट में इसका प्रस्ताव यहां पे प्रस्ताव किया गया है। और प्रदेश के अंदर परिवहन निगम का बेड़ा, आप हम सब जानते हैं कि कोरोना कालखंड में जब लॉकडाउन लगा था, बड़े पैमाने पर प्रदेश के कामगार और श्रमिक अपने राज्य के लिए आने के लिए मजबूर हुए थे, उस समय परिवहन निगम की बसेज के माध्यम से ही हमें उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में हमें मदद मिली थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगामी कुंभ को ध्यान में रख करके हम लोगों ने 22-23 में 200 करोड़ रुपए नई बसेज के क्रय के लिए व्यवस्था परिवहन निगम के लिए की थी। 23-24 में परिवहन निगम की 1000 नई बसेज के भी बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परिवहन निगम के बस स्टैंड के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, और प्रदेश ने जो अपनी ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी प्रदेश के अंदर लागू की है, उसके लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोगों ने बजट में किया है। प्रदेश के अंदर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, इंटरस्ट स्टेट कनेक्टिविटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों को ब्रिजेज के निर्माण के लिए, सड़क और सेतुओं के निर्माण के लिए 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। उनके अनुरक्षण के लिए 6,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। ये प्रदेश के अंदर अन्य ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों के निर्माण के लिए भी
1525 करोड़, रेलवे उपरिगामी सेतु के लिए 1700 करोड़ रुपए और अन्य सेतुओं के निर्माण के लिए भी 1850 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। राज्य मार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2588 करोड़, प्रमुख जिला मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के 2538 करोड़, प्रमुख धर्मस्थलों पर जाने वाले सड़कों को के मार्गों के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए, राज्य सड़क निधि से अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रुपए, औद्योगिक और जो हमारे लॉजिस्टिक पार्क हैं उनको 4 लेन की कनेक्टिविटी के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और एक नया जोड़ा गया है कि गन्ना विभाग से जुड़ी हुई जितनी भी सड़कें थी अब पीडब्ल्यूडी उनका अनुरक्षण करेगा और इसके लिए 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था भी बजट में आज की गई है। प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति आज घोषित की गई है, वह है मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण और नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना। इसमें प्रदेश के अंदर इस वित्तीय वर्ष में 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए यह कार्रवाई प्रदेश के अंदर यहां पे प्रारंभ होगा। इसके अलावा झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भी व्यवस्था आज इस बजट में की गई है जिसके लिए इस बजट में 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इसमें की है। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 1200 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और प्रदेश के अंदर जो सिक यूनिट हमारी है खासतौर पर कताई मिल्स हैं, स्टेट यान यूनिट हैं, स्टेट स्पिनिंग जो मिल्स हैं, राज्य वस्त्र निगम से जुड़ी हुई जो मिल्स हैं, जो एक प्रकार से बंदी के कगार पर हैं, उन सभी को हम नए औद्योगिक क्लस्टर वहां पे विकसित कर सके, नए औद्योगिक इकाइयों को विकसित कर सके, इसके लिए एक पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई है। और इसमें हम वहां पर जो कर्मचारी पहले से वहां पे कार्यरत हैं उनके देय भुगतान के बारे में भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। प्रदेश के युवाओं के तकनीकी दृष्टि से सक्षम और समर्थ बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की जो व्यवस्था की गई है, हम लोगों ने अब तक प्रदेश में 20 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए हैं। पिछले बजट में हम लोगों ने प्रदेश के अपने युवाओं के लिए जो व्यवस्था की थी 1700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी जिसके तहत 20 लाख युवाओं को हम इसके साथ जोड़ चुके हैं। इस बार के इस बजट में हम लोगों ने 3600 करोड़ का प्रस्ताव किया है जो उत्तर प्रदेश के यूथ को प्रदेश के अंदर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट और स्मार्टफोन ये स्नातक और प्रस्नातक युवाओं को इस सुविधा हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं और 5 वर्ष में कुल 2 करोड़ युवा को हम इसके साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। प्रदेश में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए मैं निजी क्षेत्र यानी निजी क्षेत्र भी इस क्षेत्र में निवेश उसमें उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी 500 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए भी इसमें 275 करोड़ रुपए का प्रावधान है और भारत सरकार की विशेष सहायता प्राप्त योजनाओं के वित्तीय में जिसमें जनपद स्तर पर यूनिटी माल का इसकी स्थापना होनी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके डिस्प्ले के लिए यूनिटी माल बनेंगे उसके लिए भी 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट में दिया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत जो हमारे परंपरागत उद्यमी हैं, कारीगर हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए उन्हें निशुल्क प्रशिक्षण टूल किट उपलब्ध कराना इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। प्रदेश से निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने विशेष प्रावधान किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17-18 में प्रदेश में हमारा जो कुल निर्यात होता था वह मात्र 88,000 करोड़ रुपए के बीच में था, आज वह बढ़ करके लगभग 160,000 करोड़ के आसपास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री एक नई